सफाई के बारे में ग्राम सभा की मीटिंग बुलाई गई है। आप सभी से अनुरोध है कि ठीक समय पर जरूर पहुंचे। सुनो सुनो सुनो। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर साल बरसात के समय हमें कई बीमारियों से परेशान होना पड़ता है, जैसे कि मलेरिया, टाइफाइड, दस्त इत्यादि। इस बार हमें पहले से तैयार रहना है ताकि इस तरह की कोई बीमारी की परेशानी ना हो। अब आप लोग ही बताइए कि इन बीमारियों का कारण क्या है। प्रधान जी, मेरी समझ से सबसे बड़ी समस्या ये है कि गांव वाले कहीं पर भी कूड़ा डाल देते हैं, साफ सफाई रखते नहीं, और गांव की नालियां उनमें साफ सफाई तो बिल्कुल भी नहीं होती। अब जब बरसात आती है तो पानी भर जाता है, गंदगी ऊपर आ जाती है, तो बीमारियां तो फैलनी है। पर जो बाहर खुले में शौच करते हैं उनका क्या? रोज रेडियो पे बताया जाता है कि खुले में शौच करने से बीमारियां फैलती हैं। मुझे लगता है यही मुख्य कारण है। बिल्कुल सही। आप लोग बता सकते हैं कि इससे कैसे निजात पाई जा सकती है? प्रधान जी, सबसे पहले तो उनके घर में शौचालय बनवाना चाहिए जिनके घर में शौचालय नहीं है, और अब तो सरकार शौचालय बनवाने के लिए आर्थिक सहायता भी देती है। वो सब तो ठीक है गीता, प्रधान जी सबसे पहले हमें गाँव वालों के सामने साफ सफाई के ऊपर जागरूकता फैलाने की जरूरत है। आपको छावला गांव के रामजी बाबू याद है? और उनके द्वारा चलाया गया वो सफाई अभियान जिसकी वजह से गांव का एक भी आदमी बीमार नहीं पड़ा था बरसात में। बिल्कुल ठीक। आप सब लोग सिर्फ बीमारी और सफाई के बारे में सोचते हैं, जबकि हमारे गांव में बच्चों की पढ़ाई के लिए लाइब्रेरी तक नहीं है, उसका क्या? तुम ठीक कह रहे हो सुरेश, तुम्हारी समस्या पर भी हम लोग विचार करेंगे, लेकिन इस वक्त ये समस्या ज्यादा जरूरी है क्योंकि बरसात आने वाली है। अजय, क्यों ना हम लोग रामजी बाबू के यहाँ चलें और उनसे पता करें कि उन्होंने ये कार्यक्रम कैसे चलाया था। ठीक है प्रधान जी, आज ही चलते हैं उनके पास। ठीक है, फिर चलते हैं। नमस्कार रामजी बाबू। अरे 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 प्रधान जी, आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। शुक्रिया। आज बताइए प्रधान जी, कैसे आना हुआ आज? रामजी बाबू, हम लोग आपसे ये जानने आए हैं कि आपने अपने गाँव में सफाई अभियान कैसे चलाया, ऐसा क्या किया कि जिसकी वजह से एक भी आदमी बीमार नहीं पड़ा? नहीं 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 भाई, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब हम गांव वालों ने मिलकर इस काम को अंजाम दिया है। सबसे पहले हमने गांव में एक स्वच्छता कमेटी की स्थापना की, और मैं आपको बता दूं कि हमारे गांव की ये जो कमेटी है ये न सिर्फ बरसात में बल्कि पूरे साल भर पूरे गाँव की सफाई का ध्यान रखती है। पूरे गाँव की? जी। और इतना ही नहीं, हमने अपने गांव में एक सामूहिक कूड़ा घर भी बनवाया है। सामूहिक कूड़ा घर? जी। बहुत अच्छा। अच्छा एक बात बताइए, ये जो खुले में शौच की समस्या है उसके निदान के लिए आपने कुछ किया है क्या? किया है, बिल्कुल किया है। हमने अपने गांव में सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया है, और जिस घर में शौचालय नहीं है हमारा प्रयास है कि सरकारी मदद से और आपसी श्रमदान से हर घर में शौचालय का निर्माण। हम लोग व्यक्तिगत साफ सफाई और घर की साफ सफाई पर भी खास जोर देते हैं। राम जी बाबू, आपने जो अनुभव हमारे साथ साझा किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम भी अपने गांव में आपके अनुभव से सीख लेके ऐसा ही सफाई कार्यक्रम चलाएंगे।